एक दूसरे को पसंद भी हो और धर्मानुसार भी हो, एक दूसरे के विपरीत ना चले। जब पत्नी पत्नी के पत्नी पति के विरुद्ध कार्य नहीं करती और पति पत्नी के विरुद्ध कार्य नहीं करता तो उनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मान लीजिए किसी बात को लेकर हो भी जाए तो चार बात तुम्हारा ध्यान रखना है। पहली बात, यदि पत्नी क्रोध में है, यदि पत्नी क्रोधनी क्रोध में है तो पति शांत रहे, यानी कि पत्नी क्रोध में पति छात्र में तो लिखो नौ रहा है शांत रहे। दूसरे नंबर पर कहता है अपनी पत्नी की बातें ध्यान से सुने, यानी कि तू भोगती रहो मैं चला बाहर ध्यान से सुने। तीसरे नंबर पर कहता है कि वो कुछ पूछती है तो जवाब दे, कहीं ऐसे गुप हो जाओ तो सही बोले कहता नहीं, वो कुछ पूछती है तो जवाब दे। और चौथी बात है तो जवाब दे तो मिठी वाणी में दे, कड़कड़ा के नहीं, मिठी वाणी में। पत्नी क्रोध में है, पति शांत है, ध्यान से सुन रहा है, जवाब भी दे रहा है, मिठी वाणी का प्रयोग भी कर रहा है, कब तक क्रोधित रहोगी? भले ही पत्नी की गलती हो, गलती पत्नी की, क्रोध में पत्नी, पर मौके पति ने ये कार्य करना, फिर अगले दिन या उससे अगले दिन जब वो शांत हो जाए तब कहना कि भगवान कल गलती आपकी थी, मुख्य में नहीं बैठना है। यही बात पत्नी के लिए कही है। यदि पति क्रोध में, पत्नी शांत रहे, ध्यान से सुने, जवाब दे, मिठी वाणी का प्रयोग करे, भले ही पति की गलती हो पर मुख्य पति के साथ ना भिड़े, दो चार दिन बाद वो शांत हो जाए फिर बातचीत करे उससे। जब ऐसा व्यवहार करोगे तो आप में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और मैं एक बात और बता देता हूँ, जो लोग कहते हैं ना मेरी पत्नी ऐसी मेरी पत्नी वैसी, ऋषि पता क्या कहते हैं? ऋषि लिखते हैं यदि किसी की पत्नी उल्टा चरित्रहीन हो तब भी पति अपने शुभ गुणों से उसे श्रेष्ठ बना लेता है, ऐसी बनी है, बनती है और बनती रहेगी। पति के ऊपर आधारित है, पत्नी के ऊपर नहीं है। कोई अपनी पत्नी को दोष देता ये ऐसी वैसी, अरे भाई तू वो नहीं काम का, या तो ठीक है तू काम का होता तो ठीक कर लेता ऐसा। ये ऋषि लिखते हैं, मैं आपको ये संस्कार विधि दूंगा, इसकी बातें बता रहा हूं मैं आपको। फिर आया, देखो जब नया नया ब्याह हुआ ना घना प्रेम हो पति पत्नी में, उनकी व्हाट्सएप की डिप्पी कठेंगी पाओगी, फेसबुक प्रोफाइल कठेंगी पाओगी, थोड़े दिन पास है फिर कल्ले कल्ले खड़े पाओगे। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में प्रेम होता है पर जैसे जैसे समय बढ़ता है कुछ ना कुछ दोष आने लगते हैं। यहाँ पर ऋषि क्या लिखते हैं, क्या चमत्कार किया ऋषियों ने। पति कहता अपनी पत्नी से, हे देवी अब तो हम दोनों में बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा मुझे आप में कमियां दिखाई देने लगेंगी, मुझे आपके व्यवहार में, आपके खान पान में, आपकी दिनचर्या में, आपके मन में, आपकी वाणी में दोष दिखने लगेंगे। और कहता है हे देवी मैं आपके दोषों को प्रेम पूर्वक, डरा धमका कर लड़कर नहीं, प्रेम पूर्वक आपके दोषों को दूर करने का प्रयास करूंगा, और फिर भी आपके दोष दूर नहीं हुए तो मैं आपके दोषों को भी सहर्ष स्वीकार करने का वचन देता हूँ, पर लड़ाई झगड़ा कभी नहीं। तो आप ऐसा ही करेंगे ना, बोली मैं वचन देता हूँ। इधर से कन्या कहती है, कहती है देव ठीक कह रहे हो, हमारे बीच में तो बड़ा प्रेम है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा मुझे भी आप में कमियां दिखाई देने लगेंगी, मुझे आपके परिवार में, आपके व्यवहार में, आपके खान पान में, आपके मित्रों में, संगियों में, आपके चाल चलन में मुझे दोष दिखने लगेंगे। और कहता हे देवी, फिर पत्नी कहती हे देव मैं आपके दोषों को मैं भी प्रेम पूर्वक दूर करने का प्रयास करूंगी, फिर भी दूर नहीं हुए तो मैं भी आपके दोषों को सहर्ष स्वीकार करने का वचन देती हूँ, लड़ाई झगड़ा कर कर अलग मैं भी कभी नहीं हूँ। तो आप ऐसे व्यवहार करेंगे ना, बोली तो दोनों एक दूसरे से ऐसा वचन देते हैं, वो याद करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पति कभी क्रोध में बात नहीं करता, तो गृहस्थ आश्रम सुख में वास होता है। और इसका पता क्या फल होता है, जब ऋषियों से पूछा गया श्रेष्ठ संतान किसकी होती है, ऋषियों ने कहा माता यस्य पतिव्रता पिता से यस्य धार्मिक है, माता पिता चरित्रवान हो तो श्रेष्ठ संतान होती है। बोले जी निकम्मी किसकी होती वो भी बता दो, ऋषियों ने वो भी बता दिया। तो बोले जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वह सर्वस्व नाश हो जाता है। आप जब ये पुस्तक पढ़ोगे हम मंत्रों के अर्थ में लेंगे, सर्वस्व शब्द प्रयोग किया ऋषियों ने। जिस घर में नारी दुखी रहती हो, नारी की इज्जत ना हो, नारी खुश ना हो, वहां सर्वस्व नाश हो जाता है। और कहते जिस पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता हो, पहली बात तो संतान नहीं पैदा होगी, और संतान पैदा हो गई तो निकम्मी और दुष्ट संतान पैदा होगी। आपको पता होगा कि कहीं रूठ करके को भवन में गई थी, पहले पत्नी पति आमने सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, अलग कक्ष होते थे बातचीत करने का, बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, वो भी बातचीत लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वो भवन में गई। तो पति और पत्नी का ऐसा व्यवहार हो कि जीवन में विशेष सुख और विशेष आनंद बढ़े। और कैसा प्रेम हो, एक छोटी सी घटना। एक बार एक राजा
भ्रमण करते करते दूर चला गया एक निर्जल स्थान पर जहां जल नहीं था। और राजा ने देखा एक हिरण और हिरणी मरे पड़े हो, ना कोई तीर लग रहा है ना कोई और बात है, ये कैसे मरे। अब निरीक्षण परीक्षण किया तो पाया कि दोनों प्यास से व्याकुल थे, प्यास से व्याकुल थे और एक जगह थोड़ा सा जल था, जल इतना था कि एक के प्राण बच सकते थे, प्यास तो एक ही भी नहीं बुझ सकती थी। तो हिरण बोला हिरणी से, हिरणी पानी तू पीले बर्तन में मरता नहीं देख सकता। हिरणी बोले ना हिरण पानी तू पीले बर्तन में मरता नहीं देख सकती। पति पत्नी में जदोजहद चल पड़ी, वो कहती मैं तुझे कष्ट में नहीं देख सकती और वो कहता मैं तुझे कष्ट में नहीं देख सकता। और क्या कहा कि जल थोड़ा और सने गणा, पति पत्नी बहुत सने, कहता जल थोड़ा और सने गणा, चले प्रेम के बाण, तू पी करते रहे राजन, और निकल गए इनके प्राण। तो ऐसा प्रेम हो पति पत्नी, उसको देखकर वो दुखी हो जाए और उसको देखकर जहां तक जैसे चकुआ और चकुई होते ना, एक के प्राण छूट गए तो उसके वियोग में दूसरा भी प्राण छोड़ देता है, ऐसा प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि उसके कारण आजकल हो रहा वो उसका वियोग उस तक दुखी हो रहा है, उस तक दुखी हो रहा है, ऐसा कभी नहीं करना है। तो आप दोनों का ऐसा जीवन हो और आप दोनों ने बड़ा उत्तम कोटि का विवाह किया, ब्रह्म विवाह। देखो किरण बहन, इन्होंने बड़ा त्याग किया है घर परिवार में, आपने ऐसा प्रेम देना है कि इन्हें वो कमी ना खा लें। आज ना माता पिता भाई बंधु कोई नहीं है, फिर भी इन्होंने वो हिम्मत की है, शास्त्र के अनुकूल है, विरुद्ध नहीं है, नहीं अनुमति देते ना सही, शास्त्र यही कहता है। अब जहाँ शास्त्रों के नियम टूटने नहीं चाहिए, तो आप इनको ऐसा प्रेम ऐसा व्यवहार आपने इनके साथ ठीक है, ठीक है। तो ये तो ऐसा है, पूरी पढ़नी है, समझ नहीं आओगे ना आर पार की करनी है, तो आप ऐसा करोगे तो ये वचन देते हो आप हमें, बहुत बढ़िया बहुत शुभकामनाएं। फिर देखना, मैं कोई बालक बहुत संस्कारी था, एक अध्यापक उसका गुरुजी बड़ी प्रशंसा कर रहा था, मैंने कहा भाई इतनी प्रशंसा कर रहा है उसकी माँ में विशेषता मिलेगी तुझकी, बोला विशेषता जब ये गर्भ में था ना तो इसकी माँ सत्यात्मकाश पढ़ती थी। तो ये वो पुस्तक है, इसमें ऋषियों की बातें हैं। और आप भी कौन से संतान के कब संस्कार करने, 16 संस्कारों की पुस्तक है वो। आजकल तो लोगों ने 2-3 संस्कार जानते हैं, बालक का नाम टंगवा दिया, ब्याह कर दिया, 2 दफा तो जानते नहीं, गर्भ से संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो आशीष जी को आप भी वचन दो भाई, आप संस्कार विधि पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो पूरी बोलो तो इनकी बोलो भाई, मैं वचन देता हूँ, तो आशीष जी आपकी जिम्मेवारी पूछना इनसे, ठीक है। तो आप दोनों का जीवन बड़ा अच्छा लगा और यहाँ विवाह